486, ठीक है, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे, ठीक है, कैसे तोड़ के लिखेंगे यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, इधर लिखा हुआ है 486, इसको तोड़ के लिखना है, देखो इधर कैसे लिखते हैं, एक्सपेंड करना है, इसको नंबर को तोड़ना है, ठीक है, एक एक, ठीक है, यहाँ पर देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ते हैं, नंबर को कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, वंस टेंस कहाँ से स्टार्ट होता है नंबर में, सबसे लास्ट तरफ से क्या स्टार्ट होता है, वंस, ठीक है, सेकेंड में क्या स्टार्ट होता है, टेंस, उसके बाद हंड्रेड, ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करो, वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है, पीछे तरफ से आगे तरफ जाते हैं हम लोग, पीछे से आगे, ठीक है, वन स्टेंस हंड्रेड, उसी तरह इस नंबर को भी तोड़ेंगे, ठीक है, वन स्टेंस में, वंस में अब तुम लोग को पता है कि वंस जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक नंबर होता है, एक ही नंबर होता है ना वंस में, जैसे वन से नाइन तक का नंबर सब वन डिजिट का नंबर है, वन डिजिट का नंबर है, उसके बाद टेन से 99 का तक सब ये टू डिजिट का नंबर है, कितना डिजिट का है, टू डिजिट का नंबर है, उसके बाद 100 से 999 तक ये सब क्या चाहिए, थ्री डिजिट का नंबर है, समझ में आया, वन से नाइन तक का सब सिंगल सिंगल नंबर एक एक नंबर है, जैसे ही टेन से स्टार्ट हुआ वो टू डिजिट का नंबर है, जैसे यहाँ पर टेन से 99 तक का टू डिजिट का नंबर है, उसके बाद 100 से 99 तक ये किस कहाँ, ये थ्री डिजिट का नंबर है, थ्री डिजिट का है नंबर, हाँ, तो देखो इधर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे तोड़ेंगे नंबर को, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व बाहर में, ठीक है, देखो इधर पहले कहाँ से तोड़ना स्टार्ट करेंगे, शुरू से तोड़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, फोर लिखे, फोर था फोर लिख दिए, ठीक है, हम लोग पहले बचपन क्लास में से पढ़ते थे, फोर था फोर लिखते थे, उसके बाद इसके पीछे कितना नंबर है, फोर के पीछे टू नंबर है, वन टू, तो इसको टू जीरो देंगे, टू लड्डू, ठीक है, उसके बाद प्लस, उसके बाद कौन अगला में एट है, एट उतार दिए, एट के पीछे कितना नंबर है, वन नंबर है, तो वन इसका वन जीरो दिए, ठीक है, वन लड्डू खिलाए इसको, उसके बाद आगे सिक्स है, सिक्स लिखे, सिक्स के पीछे कोई नंबर है, नहीं है, अभी हम लोग बताए थे कि वन डिजिट नंबर में, यानी कि जब वंस है, ये वंस है तो एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है, या टेन से तो दो नंबर होना चाहिए, हंड्रेड प्लेस पर है तो इसमें तीन नंबर होना चाहिए था ना, अब देखो इसमें उसी चीज़ को यहाँ पर पहचानेंगे, देखो इधर वंस था तो अकेले ये नंबर है ना, टेंस था, टेंस में दो डिजिट दो को नंबर होना चाहिए, देखो दो नंबर है, उसके बाद हंड्रेड, हंड्रेड में तीन डिजिट होना चाहिए, तीन डिजिट देखो है, समझ में आया, हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ये एक्सपेंड करना था, तोड़ना था नंबर को, अब देखो इन लोगों को सबको जोड़ेंगे भी ना तो इतना ही आएगा, जो ऊपर में दिया हुआ नंबर वही आएगा जोड़ करके, ठीक है, जोड़ के दिखाएंगे, देखो इधर सिक्स, सिक्स को और जीरो को जोड़ेंगे तो सिक्स आया, इधर सेकेंड में एट है, सेकेंड में यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, सेकेंड में इधर जीरो है तो जोड़ेंगे तो एट आया, अब इधर फोर, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे फोर, देखो वही नंबर आया जोड़ करके, हाँ, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंड मतलब तोड़ना, और स्टैंडर्ड मतलब जो तोड़ा है उसको जोड़ करके लिखना, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ में आया, ऐसे जोड़ करके अभी नहीं लिखना, वो अगला क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पे लिखना भी एक्सपेंड फॉर्म, तोड़ करके लिखना, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिखा हुआ, फोर एट नाइन सिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको तोड़ करके लिखेंगे, क्या लिखा हुआ, फोर, फोर के पीछे कितना नंबर है, पहले बताओ इधर, फोर के पीछे थ्री नंबर है ना, तो थ्री नंबर का थ्री जीरो दिए इसको, उसके बाद प्लस एट है तो एट लिखे, एट के बाद कितना नंबर है, गिनो पीछे कितना नंबर है, एट के पीछे दो नंबर है तो दो इसको जीरो दिए, प्लस नाइन है तो नाइन दिए, नाइन के पीछे कितना नंबर है, हाँ वन नंबर, तो वन जीरो दिए, उसके बाद सिक्स था, सिक्स लिखे, सिक्स के पीछे कोई नंबर है, नहीं तो नहीं लिखे, देखो इधर ये वंस प्लेस पर था, टेंस हंड्रेड और ये थाउजेंड, ठीक है, तो यहाँ पर देखो थाउजेंड में होता ना तीन डिजिट, तीन जीरो होता है, तीन जीरो दिए, ठीक है, अब टोटल मिलाकर कितना डिजिट का होता है, थाउजेंड, फोर डिजिट का, देखो फोर डिजिट का है, ठीक है, ये हो गया, अब लेते एक टोल लेते पॉइंट वाला, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, देखो इसमें पॉइंट है, ठीक है, अब इधर ध्यान दो, इसमें सीखने वाला है, इधर ध्यान दो, यहाँ पर पॉइंट के पहले वाला को पहले एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद वाला को, समझ में आया, पॉइंट के पहले कितना है, फोर, फोर लिखे, पॉइंट के पीछे वाला नंबर, फोर के पीछे कितना नंबर है, पीछे एक ही नंबर है तो एक जीरो दिए, प्लस
एट था, एट लिख दी, एट के पीछे कोई नंबर है नहीं है, पॉइंट है इसके पीछे, ठीक है, पॉइंट वाला को बोले कि बाद में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट था, कुछ नहीं दिए, प्लस पॉइंट के जगह पे प्लस का साइन दिए, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाला, ठीक है, यहाँ तो पॉइंट से पहले तो वंस टेंस स्टार्ट होता है टेंस, लेकिन पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद तुरंत यहीं से टेंस स्टार्ट होता है, वंस नहीं होता है, पॉइंट वाला में वंस नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद जितना भी नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, टेंथ, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इधर इसमें बताया, बता देते तुम लोगों की पॉइंट के बाद वाला को क्या चीज लिखते थे, उसमें बट्टा में लिखते थे, हाँ, तो बाय में लिखेंगे, फ्रैक्शन में, तो यहाँ टू है, टू लिखे। अब ये पॉइंट के बाद कितना नंबर पे है, टू, पॉइंट के बाद कितना नंबर पे है, टू, वन नंबर पे, वन प्लेस पे, तो वन लिख करके वन डिजिट इसको वन जीरो दिए, ठीक है। लिखना बंद करो यहाँ पर, समझो, इधर ध्यान दो, फिर प्लस का साइन दिया, टू का खत्म किया, फोर का लिखते हैं, फोर लिखे, फोर कितना प्लेस पर है, काउंट करो, वन टू, कितना नंबर पे है, टू नंबर पे, तो टू लिख, यहाँ पे फोर लिखे, उसके बाद वन लिख करके टू जीरो देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद एट है, एट लिखे, एट के बाद यहाँ पे कितना है, तेरह, कहाँ जा रहे हैं हम, लिखते लिखते कहाँ चल गए, एट प्लस टू बाई टेन प्लस फोर बाई हंड्रेड। अब यहाँ पर देखो एट था, एट लिखिए, एट कितना नंबर पे है, वन टू थ्री नंबर पे है, तो वन लिख करके इसमें थ्री जीरो देंगे, समझ में आया, हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इधर, फोर नंबर, ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन लिए, सॉल्व लिखेंगे बाहर में, हम ये कौन सा फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, कौन सा फॉर्म में, एक्सपेंड फॉर्म में लिख रहे हैं, कौन सा फॉर्म में, एक्सपेंड फॉर्म में, एक्सपेंड में नंबर को तोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो थ्री है, थ्री लिखे, थ्री के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, एक जीरो दिए, प्लस सिक्स है, सिक्स लिखे, ठीक है, सिक्स के बाद कोई नंबर है नहीं है, पॉइंट है, छोड़ दिए, प्लस फोर है आगे, फोर लिखे, फोर के, फोर कितना नंबर पर है, वन नंबर पर, तो वन लिख करके एक जीरो दिए, फिर प्लस आगे कितना है, टू है, टू दिए, टू के नीचे कितना नंबर है, कितना नंबर पे है, टू, टू नंबर पे, तो वन लिख करके टू जीरो देंगे, ठीक है, समझ में आया। ये कौन सा फॉर्म में लिख रहे हैं नंबर को, ये लोग नहीं हुआ, थ्री नंबर में, ये कौन से नंबर, कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं नंबर को, एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंड मतलब, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब तोड़ के लिखना नंबर को, ठीक है, नंबर को तोड़ने सीख रहे हैं। फर्स्ट नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बड़ा नंबर लेते हैं, यहाँ पर सब कुछ ध्यान से देखना, सभी बोर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, फोर है, फोर लिखे, ठीक है, फोर के पीछे कितना नंबर है, टू नंबर है, कितना है, टू, यहाँ पे टू जीरो दिए, ठीक है, प्लस उसके बाद कितना है, एट है, तो एट लिखे, ठीक है, एट के बाद कितना नंबर है, वन नंबर, तो वन नंबर दिए, उसके बाद आगे कितना है, सिक्स है, सिक्स लिखे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद प्लस था, प्लस दिए, उसके बाद टू, पॉइंट के बाद वाला को किस में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, फ्रैक्शन मतलब बाई में लिखते हैं, बट्टा में, ठीक है, तो यहाँ पे टू बाई टेन लिखेंगे, टू, क्योंकि यहाँ पर टू कितना नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट वन लिख करके वन जीरो दिए, ठीक है, प्लस आगे एट है, एट लिखे, एट कितने नंबर पे है, टू नंबर पे है ना, तो वहाँ पे एट लिख करके नीचे बाई में कितना जीरो देंगे, टू जीरो दिए, फिर आगे नाइन है, नाइन लिखे, नाइन लिख करके थ्री जीरो देंगे, थ्री नंबर पे है, प्लस सिक्स दिए, सिक्स कितना नंबर पे है, फोर नंबर पे, फोर जीरो देंगे इसमें, प्लस उसके बाद फोर लिखे, फोर कितना नंबर पर है, फोर कितना नंबर पे है, फाइव नंबर पे, तो फाइव जीरो देंगे इसमें, समझ में आया, हाँ। ये किस में लिख रहे थे हम लोग, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे, किस में, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे, समझ में आया। ये हम लोग किस में नंबर को लिख रहे थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में, अब हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को लिखना सीखेंगे, ये वाला हो गया, मिटा दे। अब नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा दूर दूर में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को तो लिखना है, ठीक है। देखो इधर, अभी जो हम लोग ये लिख रहे थे ना, इस टाइप का हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा,
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना हम लोग को। हाँ आता है 5, 6, 2 सबको जोड़ करके इतना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना उसको। बस हट जाइए, समझ में आया? देखो इधर, जैसे यहाँ पर कितना है, शुरू में बोले थे क्या चीज 5 है, ठीक है, उसके बाद 5 के बाद कितना नंबर है, 2 डिजिट है, ठीक है, इसको जोड़ना है, जोड़ करके भी उतना ही आएगा, ठीक है। शुरू वाला लिखना है, शुरू में 5 तो 5 लिखे, फिर इधर 6 लिखे, उसके बाद 2 है 2 लिखे, ठीक है। अभी नंबर को देखो, जोड़ करके इतना ही आएगा, ठीक है। 2 है इधर, कुछ है आगे पीछे में, सब में 0 0 है, 2 और 0 को जोड़े तो 2 आया, ठीक है। इधर सेकंड में 0, इधर कुछ नहीं, इधर भी 0 है, ठीक है। सेकंड में यहाँ पर 6 था, 6 लिखे, इधर थर्ड में 5 है सिर्फ, इधर कुछ है थर्ड में नहीं है, तो सिर्फ 5 होगी, ठीक है, समझ में आया। अब इधर देखो, यहाँ पर देखो ये नंबर, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर 8 था, 8 लिखे शुरू में, उसके बाद 3 है, 3 लिखे, उसके बाद 5 है तो 5 लिखे, उसके बाद 2 है तो 2 लिखे, ठीक है, प्लस का साइन दे दिया यहाँ पर 2 है। उसके बाद यहाँ पर देखो बाई में है, तो बाई का मतलब क्या चाहिए कि उधर पॉइंट में है सब नंबर, किसमें है, पॉइंट में, डेसिमल में है उसमें, इधर नंबर सब किसमें है, डेसिमल में है, तो यहाँ पे 2 लिखे हैं, बाई में कितना है 10, ठीक है, तो इसको इधर वाला को क्या लिखना है, डेसिमल में लिखना सब नंबर को 2 2, ठीक है, समझ में आया। हाँ डेसिमल वाला और क्वेश्चन लेते हैं, सही है, डेसिमल वाला और क्वेश्चन लेते हैं ऊपर में, डेसिमल वाला एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 नंबर, ठीक है, देखो इधर 3 नंबर लिए, ठीक है, इसमें डेसिमल वाला भी है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले सॉल्व लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इधर बाहर में, ठीक है। देखो इधर शुरू में यहाँ पे कितना 8 है, तो 8 लिखे, उसके बाद 2 है, इसके बाद देखो इधर, इधर पॉइंट में सब, यहाँ पे देखो इधर जहाँ से फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया, समझ जाना कि आगे उधर पॉइंट में, ठीक है, तो यहाँ पे 2 के आगे इधर क्या चाहिए, पॉइंट है, इसीलिए फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर कितना 3, 5, 4, 5, 5 हो गया आंसर, ये सही है, ठीक है, समझ में आया। इसको क्या चीज बोलते हैं, ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ नंबर को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और एक्सपेंडेड फॉर्म में जब यही नंबर को, ये ऊपर वाला किसमें लिखा हुआ, ये ऊपर वाला, ये लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर, लास्ट वाला एक्सपेंडेड फॉर्म।